द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। सीबीआई ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापेमारी की, साथ ही दिल्ली समेत 29 दूसरे ठिकानों पर भी रेड की गई। ये कार्रवाई कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दो फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। गुरुवार को रेड के बाद मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि किसान का बेटा हूं, छापों से घबराऊंगा नहीं। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत का ऑफर हुआ। उस दौरान उनके पास दो फाइलें आई थी, उनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पैजामे के साथ आया और फिर उसी के साथ यहां से वापस चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये रकम 2017 से 18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। राहुल गांधी और ऐश्वर्या में क्या रिश्ता है जिसकी वजह से राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। अब अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार विवाद की वजह बना है उनका फिल्म अभिनेत्री और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय पर दिया गया बयान। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो पीएम मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और उद्योगपतियों से उनके संबंधों को लेकर उनको निशाना बनाते हैं। एक ऐसा ही बयान उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिया जो 22 जनवरी को हुआ था। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा था कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आपने किसी गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी को नहीं देखा होगा, मगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा गौतम अदानी समेत उद्योगपति को जरूर देखा होगा। हालांकि सही बात यह है कि इस प्रोग्राम में ऐश्वर्या राय और गौतम अदानी मौजूद ही नहीं थे। 12 फरवरी को राहुल ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कहा कि आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा होगा, क्या उसमें आपने गरीब आदमी को देखा? मुझे तो अमिताभ बच्चन दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखे, अंबानी दिखे, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, मुझे एक गरीब बंदा उसमें दिखा नहीं। मुझे वहाँ एक किसान, मजदूर, बेरोजगार, चाय वाला, छोटा दुकानदार नहीं दिखा, सारे के सारे अरबपति दिखे। आप मुझे बताओ, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, देखा आपने? उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा? एक देखा आपने? उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा। राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया पर निशाना साधते हुए भी कई बार कहा है कि भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी और ऐश्वर्या राय को नाचते हुए तो दिखाती है, लेकिन हमें नहीं दिखाती क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। एक जगह राहुल गांधी ने बोला कि आपको जानना है कि जेब कैसे काटी जाती है तो उधर देखो पाकिस्तान, इधर देखो चीन, वो देखो ऐश्वर्या राय।
ऐसे इधर उधर दिखाकर आपकी जेब काटी जा रही है। इस मसले पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ये बहुत घटिया है, मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे उससे आप क्या उम्मीद लगाएं? राहुल गांधी के लिए सिर्फ घटिया शब्द है, माफी तो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं होंगे, श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन अपने पिता के दोस्त की बहू के बारे में ऐसा कौन बोलता है? यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस और आप के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तय हुआ है कि आप 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को देगी, जबकि 4 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक सीट कांग्रेस को दे सकती है, जबकि नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में आप पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीटों के तालमेल को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत में काफी देरी हुई। उनकी ये टिप्पणी दोनों पक्षों के सूत्रों के दावों के बीच आई है कि गठबंधन की राह में बाधा पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सीटों के तालमेल के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2019 में भाजपा ने दिल्ली में किसी भी पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया था। आप सूत्रों ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी अगले कुछ दिनों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, इनमें कांग्रेस ने अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपने राज्य की 2 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। इसमें भरूच और भावनगर लोकसभा सीट शामिल हैं। पार्टी ने बारडोली सीट भी उम्मीदवार जल्द घोषित करने के संकेत दिए हैं। गुजरात में आपने 8 सीटें मांगी हैं। पार्टी की दलील है कि इसे विधानसभा चुनावों में 14% वोट मिले थे, कांग्रेस को 27% वोट। अब देखना यह है कि गुजरात में सीट शेयरिंग का आखिरी आंकड़ा क्या रहता है। सूरत के पौश इलाके वेसू में रहने वाली मॉडल और फैशन डिजाइनर तान्या सिंह की खुदकुशी की वारदात सवालों के घेरे में है। मामले की सच्चाई जानने के लिए सूरत पुलिस तान्या सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच इस समय कर रही है। 28 साल की तान्या सिंह और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बीच दोस्ती की खबर भी सामने आई। शुरुआती तफ्तीश से पुलिस ऐसा मान रही है कि लव अफेयर तान्या सिंह की खुदकुशी की वजह हो सकती है। 20 फरवरी को मॉडल तान्या सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। जिस समय तान्या ने खुदकुशी की उनके कानों में एयरफोन लगे हुए थे। पुलिस को तान्या के फोन से कुछ फोटो मिले हैं जो काफी पर्सनल हैं। इन तस्वीरों में तान्या सिंह आईपीएल खेल चुके क्रिकेटर अभिषेक के साथ काफी निजी पलों में देखी जा सकती हैं। पुलिस को मॉडल तान्या सिंह के मोबाइल में क्रिकेटर अभिषेक के साथ काफी फोटो भी मिले हैं। फोन में मिली पर्सनल फोटोज के बाद सूरत पुलिस ने अभिषेक को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। ये भी बात सामने आ रही है कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। तान्या अभिषेक शर्मा को मैसेज करती थी लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। फांसी लगाने के समय तान्या के कानों में एयरफोन लगे हुए थे, जिससे पुलिस को लगता है कि तान्या ने बातचीत के बाद इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस तान्या की कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिपोर्ट की भी जांच कर रही है, जिसकी डिटेल पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों से मांगी है। तान्या भवानी सिंह मूल रूप से राजस्थान के सीकर की रहने वाली थी। तान्या के पिता पांडे सरानी मिल में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। भाई कनाडा में पढ़ रहा है तो वहीं एक बहन की शादी हो चुकी है। पुलिस ये पुख्ता करना चाहती है कि तान्या ने आखिरी कॉल किसे की थी। पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी से 7 दिनों की कॉल डिटेल्स मांगी है। साथ ही पुलिस परिवार के बयान भी रिकॉर्ड कर रही है ताकि तान्या और अभिषेक के बीच के संबंधों का पता लगाया जा सके। जिसका डर था वही हुआ। खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हुए संघर्ष में 22 साल के एक लड़के की जान चली गई। किसानों का आरोप है कि इस संघर्ष में उनके 167 साथी घायल हुए हैं।
मरने वाले युवक का नाम शुभकरण है। युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च रोक दिया है और वो अपनी अगली रणनीति का ऐलान 23 फरवरी को करेंगे। और उन्होंने जिवें कल बुलेट इस्तेमाल की है, जिवें सिद्धियां गोलियां मारियां वा, यह उहदा रिजल्ट हैगा वा जो कुछ अज होया। तो अज इस सोगमई पूरे देश विच सोगमई एक माहौल आ। इस दुखदाई घटना तो बाद लोग घरां च रो रहे ने, सानू पुष्टि है इस गल दी जो कुछ होया। लोकां दे मनां च गुस्सा होर वध्या हैगा वा जो असीं देख रहे हैगे। तो उस रोस नूं देखदिआं होइआं साडे दो फोरम, किसान मजदूर मोर्चा SKM गैर राजनीतिक, अज इह ऐलान करदा इस रोस नूं देखदिआं होइआं कि पूरे देश दे विच सारे घरां दे विच काले झंडे लगने चाहीदे। 21 फरवरी को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो की मार्च दी थी, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर पैलेट गन से हमला किया, जिसकी वजह से कई किसानों के चेहरे पर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस मना कर रही है, उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं और केवल किसानों को तितर बितर करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस जांच कर रही है कि 22 साल के युवक की जान आखिर गई कैसे। किसान नेता सरवण सिंह ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें पुलिस फायरिंग करती नजर आ रही है। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन पर सीधी फायरिंग करी, जिसकी वजह से कई किसान घायल हुए। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस से संघर्ष के बाद उनके 6 साथी किसान गायब हैं। वहीं हरियाणा पुलिस बार बार किसानों से हिंसा ना करने की अपील कर रही है। इस बीच केंद्र ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि वो बॉर्डर पर हालात खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पंजाब में किसानों को नहीं रोका जा रहा है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। अगर किसानों को बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए तो स्थिति नहीं बनती। पंजाब सरकार ने इस सिरे से नकारते हुए कहा है कि किसान बॉर्डर पर इसी वजह से हैं क्योंकि पंजाब पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है। दशरेश भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।